गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का शुरुआत और इधर हम कुकर में सीटी लगवा रहे हैं, चना का सब्जी बनाना है और इधर हम छीला भी बना रहे हैं अपने खाने के लिए। और यहाँ का तो मौसम मत पूछिए, रियल में इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि मत पूछिए। देख ही सकते हैं हम सहल लोड कर किचन में काम कर रहे हैं, अभी नहाए धोए भी नहीं है, सुबह से चाय पाव रोटी खा लिए हैं दो दो बार। और अब देखते हैं कि क्या क्या अभी करेंगे, क्या क्या बनाएंगे। तो कल तो हम इसी चक्कर में ठंडा ले जाते हम नीचे बैठने चले गए थे, इतना ठंडा लग गया था, ठंडा से मेरा इतना सर दर्द हो गया था ना कि मत पूछिए। इस वजह से हम ऐसे कल वीडियो भी नहीं डाल पाए थे, इतना ठंडा मुझे लग गया था। तो छीला बना रहे हैं अपने खाने के लिए और उसके बाद घूमनी बनाएंगे। तो घूमनी बनाएंगे तो आपको भी खिलाएंगे, आपको खाना है इसे थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। और इधर मसाला भी पीस के रख लिए हैं भूनने के लिए। कल बना दिए थे कुकर में का चावल तो इनको पसंद ही नहीं आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुकर का खाता नहीं है, इसलिए इनको अच्छा ही नहीं लगा कुकर का चावल, बोले कि नहीं पसंद आया। मेरे घर में पता है कि वो घी खाना बहुत ही पसंद है, इसलिए हम ज्यादातर खाना घी में ही बनाते। चावल चढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए कल धनिया पत्ता लहसुन लाए थे तो अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है, मेहंदी लाए थे उसी तरह पड़ा हुआ है। और ये बाहर का मौसम देखिए इतना गर्मी है, ऊपर वाली तीन तल्ला वाली आंटी का ये साड़ी गिर गया हुआ है, इतना धूपा है ना कि मत कुछ। ये फूल भी अब पीला पीला होने लगा, पौधा सब भी अब मौल रहा है, लेकिन पता नहीं इतना ठंडा भी यहाँ पर क्यों लग रहा है। वहाँ ग्राउंड में बच्चे लोग अभी से ही खेलना शुरू कर दिए हैं, आप दूर से देख सकते हैं, हवा भी उतना ही है तो अभी कर क्या सकते हैं, देखते हैं हवा इतना बह रहा है ना। मेरा छिलका भी बना के रख दिए हैं, अब दलहार पसा लेते हैं।
देना कि अच्छे से पक गया है। आज शाम में इतना बारिश हुआ, हम तो सोए हुए थे, खाना उना खा के सो गए थे। ये देखिए ऊपर वाली आंटी का साड़ी भी नीचे गिरा हुआ है, आप वो भी गीला हो गया। ये भी है सोन का पौदान गिरा हुआ था, मेरा कपड़ा सूखा हुआ तो सारा गीला हो गया। अब इसको फिर से सूखने के लिए डालना पड़ेगा, सूखेगा जितना देर सूखे। अब ये समझ ही नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना, इनका भी ट्रैक सूट वगैरह सारा गीला हो गया है। नथिंग, पूरा घर फर्श। चलिए पौधों सब के लिए तो अच्छा हुआ इस समय पानी पड़ गया है। बच्चे सब वहाँ खेलने के लिए खड़े हैं ग्राउंड में। सारा पौधा सब यहाँ सूखने लगा है। अब जा रहे हैं, वाइपर मारूंगी अभी। अब वाइपर मार देते हैं थोड़ा। अभी तो सामने बाहर में वाइपर मार दिए हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन वहां स्टैंड करके रखने वाला कुछ नहीं, तो बाहर का परिस्थिति आपको तो दिखाएंगे। सभी बर्तन पहले धो लेते हैं, फिर क्या क्या करेंगे। अभी शाम है तो शाम में तो आपको पता ही है, थोड़ा वॉकिंग करने जाते हैं। यहाँ का मौसम उतना भी अच्छा नहीं है, कभी भी बारिश हो जा रहा है, ऊपर से ही भी कपड़ा उपड़ा सब कर गिर जा रहे हैं, इतना आंधी पानी आता है कि मतलब रियल में हमें यहाँ बहुत सर्दी सर्दी लगता है। कभी बर्तन धो लेते हैं, फिर वॉकिंग करते हैं, रात चलाते हैं, तब जाके दीजा बत्ती करते हैं, जाते हैं। उस दिन पता है इसी कक्षी को मरने में मिला, मरने में, यानी कि यहाँ हाथ में जो कटा ना समझ लीजिए। बर्तन धो लेते हैं, आज शाम में बोले सबको बनाने के लिए। और मेरी दोस्त जो यहाँ पे किरण जी है ना, उन्हें मैं चना का मैं घुघनी बनाई थी, तो वो मुझे आज ये जीरा राइस दी है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा चखी हूँ। और ये आज वो पनीर की सब्जी बनाई थी, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं इसमें से पनीर जो है ना निकाल निकाल के खा गए हैं। देखते हैं क्या करते हैं रात में, अगर मैं भी सत्तू का फिर पराठा बनाऊंगी, अब देखते हैं बनाते हैं या नहीं। तो अभी वॉकिंग करके तो आ गए हैं। वॉकिंग करने से तो इतना गर्मी लग रहा है कि मत पूछिए, सुबह से सर्दी और शाम में गर्मी। तो अब जा रही हूँ, थोड़ा सा दिया बत्ती करूंगी, उसके बाद आप मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। पता नहीं दहल नहीं थी तो आग के पास में क्या मार दिया है ना, ये छनछना रहा है, ये पूरा एक लगा ना कि बड़ी सी जो नहीं होता फतिंगी वाला कीड़ा, वही आया और मार दिया है। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।